औषध माँ मु तुम रूम को जाई थी जानिबा को पाइली कि तुम एठी अछ मो बे आश्चर्य माँ अभी तत्ते कुटे कथा पचारी थांदी पचार मते सत कहिबू तू बाहा बापे राजी काई की गलो पुणी मानिनी को दीटा कारण पई मा प्रथम कारण हला मयूरी को खुशी पई मयूरी चाहती कि बर्थडे आगुरु मो बागर हो दरकार तो से झियो किए ता फैमिली बैकग्राउंड कौन एत सब कथ देखापी मो पा टाइम नाला अंबिका जो सब फोटो देते भितर मानिनी को मयूरी भी बाचि थी आय कारण तुम से झील उपर थ विश्वास अभी हाँ माँ माँ मुझा को भावी से मो स्त्री घर को आसब आँ सब बड़ कथा है से मो बहू मान शाशु और तुम बहू हाबाई योग्य हवा दरकार तुम्हें ही तो कह माँ कि स्वामी स्त्री जोड़ी भगवान तैयारी करते देख सबकि घटी जा मोपाई तुम्हें सब आग माँ और तुम पर मुझु बस भगवान को ही मानि थाए और जी तुम पर मत बहुत बेस भल पाती माँ मु तुम विश्वास को केवे भूल प्रमाण हवा को दे पार सो मानिनी को बाहर मु राजी गले तू परिस्थिति रे पड़ी राजी हो जाइ मनरु ताकू मानि पारिनु ना मो मन खाली मयूरी अच्छा माँ और सब बड़े से ही रही थे हेले अभी तू एक भूली जाने तू से झील को बाहा हबु ताको खुशी रखा तोर कर्तव्य पिचारी से झीटा तोप स्नेह कि आनी मना कर दे मनरे एम कष्ट तोर उचित ना एजाए मयूरी बहु जहा चाहे तू तार सब इच्छा को पूरण करिचु ठीक ना किंतु तू कौन तार सब इच्छा को सत मन पालन करिचु ना खाली एमती कर्तव्य बोली भावे करी चलिचु जदि ए बाहाघर को तू मयूरी बहुर इच्छा बोली भावुचु ताहले ताको मनरे मानिबा को चेष्टा कर नहले मयूरी बहु केबे भी खुशी हो पारिबनी अभी तू सिना परिस्थिति रे पड़ी बाहा होचु किंतु मानिनी पाई मानिनी पाई ए बाहाघर ता सारा जीवन कथा किछि भी करि पा करू सबो कथा को टिके भल भाव रे चिंता कर देख तो गेला झी आसीगला अपा तू एत समय कड़े जाइ तू जानीचु माँ बापा तो पाई केते टेंशन अच्छा मानिनी तू कड़े जाइ तू जानीचु ना तो मुझे बड़ अपेक्षा कर
कौन पा बड़ घर बड़ बहू भिकारी शाशु को देखा करने को आसते हाँ आसी हल सीधे बड़ बहू आ मानिनी कौन कथबार्ता हेले से विषय जानवि बोली मो मानिनी को केते बड़ अपेक्षा करके बस सी मो सामना को आसिले सीना मानिनी सत कहलु से तो सहित कौन कथा हेले माँ तुम्हें खराब भावनी किंतु से सब आम शाशु बहुत पर्सनल कथा तेणु मु तुमको से सब कहीपर मुझे देख चल ये पड़ी जाइए कौन होता कहलु बाबा तमें था तो मुझे तले पड़ पारि बाबा कथार अच्छी ना बापा थिले पिला माने केबे कोठी तले पड़ी जाती कि हारी जाती तु एजे जो बाबा डिसीजन नेलु मु भाविली तु जीवन रे पुणी थरे आउ गोटे भूल कलु हेले आज मु जानी गली से दिन मु तते भूल बुझी थी मारे तो भविष्य को नहीं मोर कि डर ना आज जाए मु तो पाखरे थिली हेले एबे एजे तो पाखरे अच्छा आज मु कहूँ तू एजे को बाह से मोर कि आम पर कहार किसी आपत्ति कि अभियोग ना मारे मु मानिनी भगवान तोर मंगल करू बाबा बी हैप्पी नो बीपी तमे तो एक जानी ना मु सब किछि सही परबि हेले तम आखिरे मु लुह केबे भी देखि परबिनि वसुंधरा आज्ञा मा शुण मेहंदी ठीक भावरे तैयारी करिबु जमीती मेहंदी रंग पूरा गाढ़ हबो मो पुअर ना मो बहु हाथ में जमी फुटिक देखा जीवो कहती मेहंदी रंग गाढ़ हेले भल पाइबा पढ़ी थाए हबो मा हबो एमिती रंग गाढ़ हबो आपण आगे देखिबे तापरे मते कहिबे ये फूल गुरा नहीं सेपटे लगे दू हला ये लुचु गुरा सबुतक सेपटे लगे दरकार हला जा अरे ज्ञान आज्ञा सुन गेस्ट मान सब दायित्व हूँ तुम जदि कहारे असुविधा हुए हबनी जमा असुविधा हबनी आप कहीं टेनसन नौ मैडम मुझे परा अच्छा हौ है जाओ बाहर देख बाहर सजासजी कम सरी कि अंबिका आज्ञा जेजेमा अरे मा तू ये एका एका कौन करुच जेजेमा मुई डेकोरेशन देखुची घर भीतर सब काम तो सारी गला भावुले बाहर टिके जाए चेक कर दे आसबि बहुत भल मुझे ज्ञान को पठे देची से बाहर काम देखी नब जेजेमा आपण गोटे जगार बसुना कौन पाई सेत बेलु एपट सेपट हो अरे आपण आम मान को अर्डर दिंतु आम मैंने सब कम करू कि कथा कह चु आज मो पुअर मेहंदी हम आुपचाप हो बस भी खुशी पूरा मो गोड़ मटी छुनी पुओ बाहा कम करने खुशी आउ कौन हो पाए ना ना जेजेमा आपण रेस्ट नि आसी जा एबे सब काम मुने हेला हेला।
ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସରସ୍ୱତୀ, ଆରେ ତମ ଦି ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଛି? ଏମିତି ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି। ଜାଣିଛ ନା, ଏ ଫଙ୍କସନ୍ ଏଜେଙ୍କ ଘରେ ହେଉଛି। ଗେଷ୍ଟ ମାନେ ଟିକେ ପରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ଏଜେଙ୍କର ବହୁମାନଙ୍କର ମୁହଁ ଏମିତି ଶୁଖି ଯାଇଛି ବୋଲି, ତାହେଲେ ସେମାନେ କ'ଣ ଭାବିବେ? ଯିଏ ଯାହା ଭାବିବେ ଭାବନ୍ତୁ, ଆମ ମନରେ ଯେ କି ନିଆଁ ଜଳୁଛି ସେ କଥା ସେମାନେ କେମିତି ଜାଣିବେ? ସରସ୍ୱତୀ, ତମେ ସାରା ଠିକ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ? ଅପା, ତମେ କ'ଣ ସେ ମାନିନୀକୁ ଆମ ଶାଶୁ ହିସାବରେ ମାନି ନେଇପାରିବ? କିନ୍ତୁ ଆମେ ମାନି ନେଇପାରିବୁନି, କେବେ ନୁହଁ। କିଏ କହିଲା ତାକୁ ମୁଁ ଶାଶୁ ହିସାବରେ ମାନି ନେବି ବୋଲି? ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଏ କଥା ବାହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଅପା, ତାମାନେ ତମେ ବି ହୁଏତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତାକୁ ଶାଶୁ ବୋଲି ମାନିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇପାର। କିନ୍ତୁ ଅମ୍ବିକା, କୌଣସି ବି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମାନିନୀକୁ ଶାଶୁ ବୋଲି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବନି। ହଁ, କିନ୍ତୁ ଅପା, ତମେ ତ ଖୁସିରେ ବାହାଘରର ସବୁ କାମ କରୁଛ, ଯଦି ମାନି ପାରୁନ ତାହେଲେ ତମେ ଏତେ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ କ'ଣ ପାଇଁ? ହଁ, ମୁଁ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ଏ ଯେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କଥା ଦଉଛି, ମାନିନୀ ଏଜେଙ୍କ ନାଁର ମେହେନ୍ଦି ତା ହାତରେ ଲେଖିପାରିବନି। ମୁଁ ସେମିତି ହବାକୁ ଦେବିନି, ଦେବିନି, ଦେବିନି। ଅପା, ତା ମାନେ କ'ଣ ତମେ ଆମ ଦଳରେ? ଗୁଡ୍, ଭେରି ଗୁଡ୍। ତାହେଲେ ତ ତମେ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି କରିସାରିଥିବ। ଅପା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାହା ଶୁଣିଲୁ ସେଇଟା କ'ଣ ସତ? ହଁ, ସତ। ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କର, ସବୁ କିଛି ଆପେ ଆପେ ଜାଣିଯିବ। ଏଜେଙ୍କ ବାହାଘର ମାନିନୀ ସହିତ କେବେ ବି ହେବନି। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ ତମେ ଆମକୁ ରାଗିଲ କ'ଣ ପାଇଁ? ଓହୋ, ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୂର୍ଖ। ବାହାଘର ହେବାକୁ ଦେବାନି, ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ଏୟା ନୁହଁ ଯେ ଆମେ ଆମ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ତଳେ ପକାଇଦେବା। ବାହାଘର ଭାଙ୍ଗିବ ହେଲେ ପରିବାରର ମାନ ସମ୍ମାନ ତଳେ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ଲାନ୍ ସେମିତି ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେବା? ଯଦି ଜଣେ ମର୍ଡ଼ର କରେ ତାହେଲେ ତାକୁ କ୍ରିମିନାଲ କୁହାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯିଏ ମରିବ ସେ ହିଁ ନିଜେ ନିଜକୁ ମର୍ଡ଼ର କରିବ, ତାହେଲେ ଯିଏ ମାରିବା ପାଇଁ ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବ ତା ଉପରକୁ ଆଉ ଦୋଷ ଆସିବନି। ସିମ୍ପଲ। ତା ମାନେ ତମେ କହୁଛ? ହଁ, ଆଜି ମେହେନ୍ଦି ଫଙ୍କସନ୍ ବନ୍ଦ ହେବ, ଆଉ ସେଇଟା ବି ପୁଣି ମାନିନୀ ପାଇଁ। ମାନିନୀ ନିଜେ ଏ ବାହାଘର ପାଇଁ ମନା କରିଦେବ, ଆଉ ଏଇ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଶେଷ। ୱାଓ, ଗ୍ରେଟ୍! ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଟ ଥିଲା ଅଲଗା ଅଲଗା। ବଢ଼ିଆ ହବ ଅପା,
ପ୍ଲାନ୍ ଆମର, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରିବ ନିଜେ ମାନିନି। ସୁପର୍ବ। ଆଉ ମୁଁ କେବେ ବି ହବାକୁ ଦେବିନି। मंजू श्रुति ए मीनती अरे टिके देखिबो आसो आमे जीबा पई जोई बाबू केते दामी गाड़ी पठाई चंदी आजी मानिनी रो मेहंदी सबु काम जोई बाबू को घरे हबो बहुत धूमधाम रे होची आमे परे सेति पई सेटी के जाउचू। अच्छा सुनो टिके आमो घर उपरे नजर रखीथिबो। कविता कविता टी एट सुनलो। अरे रे कौन हैला तमे कौन करू छो मते तो ठीके कहो मु कौन करली। आमे मेहंदी फंक्शन जाउ छो आमो घर ऊपर ठीके नजर रखतिओ ए कथा तो तमे सकाळ उठारु समान कोई चली छो आ पूणी एत्ते बडो पार्टी रे चिल्ले के कहबा कौन नियाति दरकार। हां दरकार नियाति दरकार तांको घरे जते बेले एतिके टिके कौन होची से माने मते जो छाई देखौ छंदी ताहले जोई बाबू जदि आम पई एत्ते बड़ गाड़ी पठे चंदी मु कहि बारे असुविधा कोन अछि तमे छाड़ो से कथा। अच्छा कहिलो मु आजि केमती देखा जाउ छी आ मो नेकलेस टा भल लागु छी ना। हम कविता बाघर झियो रहब तमर न ने तमे मिना मो झी आसीगलानी। अरे रे देखी क्या झुंटी पड़बू मो झी को कहार भी नजर न लगु। बापरे कविता पर इतने दामी कर। हाँ अच्छा अच्छा टिके रु हाँ मानी तो सासु घर लोक तो पाई जो बड़ बाक्स रे गहना भर्ती करी आनी थिले जा सेटा हुशियारी के नहीं आसबु। सुन तते जदी असुविधा लागिबो कि बेसी ओजन लागिबो ना तो बेस तहनी मो धरि नेबी। हेला हुशियारी के आनिबो जा। हाँ हाँ मंजू कौन कहुथिलो कविता पा तमे एत्ते बड़ कार रे जिबो। हाँ अरे आमे तो ज्वाई बाबू को कहलु कार पठाउनी बोली किंतु समुदनी कहले ना ना केमती केमती हम तमे आमर बंधु हेलो ना एबेठु जेते बले जुआरे भी जीव एमती दामी दामी कार रे जीव। एरी चलो जल्दी चलो देरी है पूरा। हाँ चलो आम आसुचु चल मानिनी मो बहु आउ तम मानकर सासु हबा को जाउची तमे माने ताकु मानिनी राखिबो ए कथा मु केबे भी हबा को देबिनी। हैला तमें माने ताको सम्मान दबा दरकार बुझिल ना नहीं ताको सासुमा डाकिबो सासुमा। अच्छा सुनो एठी एमती छिड़ाई कथा हेले लेट हबो।
ବାହାରକୁ ଚାଲ, କାହିଁକି ନା ତମ ଶାଶୁମା ଆଉ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ଆସିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଚାଲ ସମସ୍ତେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ରେଡି ହେବା ଦରକାର ନା। ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଆସ। ଅଭି କ'ଣ ହେଲା? ନା ମା, କିଛି ନୁହେଁ। ମାନିନୀ ଆଉ ତା ଘର ଲୋକମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି ନା। ଆରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର କ'ଣ ଅଛି, ସେମାନେ ଆସିଯିବେ। ସେମାନେ ବୋଧେ ଆସିଗଲେଣି। ଅମ୍ବିକା, ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସରସ୍ୱତୀ, ତମମାନେ ଠିଆ ହେଇକି ରହିଲେ କ'ଣ? ତମମାନଙ୍କ ଶାଶୁମା ଆସିଗଲେଣି। ଚାଲ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଚାଲ ସମସ୍ତେ। ତୁଖର ମୁଁ ଛାଇ, ତୁଖର